बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार में जातिवाद, अराजकतावादी और तमंचावादी संस्कृति हावी थी। व्यापारी दहशत में थे, उनसे रंगदारी वसूली जाती थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, मगर भाजपा की सरकार में महानगर स्मार्ट बन रहे हैं, प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है, बरेली अब सेफ सिटी है, व्यापारियों से रंगदारी नहीं वसूली जाती, अपराधी सीना तान कर चलते हैं, वे अब तख्ती टांग कर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। सीएम ने कहा कि उनकी 6 साल की सरकार में 35 लाख करोड़ का निवेश यूपी में आया है, इससे 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। बरेली कॉलेज हॉकी ग्राउंड में भाजपा के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में सीएम ने सपा पर परोक्ष रूप से जमकर निशाना साधा। करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और कोरोना कालखंड में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ जो आज भी प्राप्त हो रहा है, ये केवल भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।